समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में रोसड़ा कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। मामले में एलजीपी रोसड़ा प्रखंड अध्यक्ष सहित 14 लोग दोषी पाए गए थे, जिसके बाद आज 13 साल बाद रोसड़ा कोर्ट का फैसला आया। 25 नवम्बर 2008 को पत्रकार विकास रंजन की जमीन विवाद में हत्या कर दी गई थी। पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में 13 साल बाद बड़ा फैसला आया है और ये रोसड़ा के एडीजे प्रथम के न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया। हमारे साथ अधिवक्ता है, क्या कुछ फैसला आया है इसमें? बहुत अच्छा फैसला आया है और न्याय पर भरोसा है पूरे अनुमंडल नहीं, इसको अगर कहा जाए तो पूरे जिला में इससे हर्ष होगा और हत्याएँ रुकेगी, किसी भी प्रकार का कोई नहीं। हाकिम न्यायालय पर सबको भरोसा था और वह भरोसा खड़ा उतरा गया, जैसा था वैसा ही दिया गया है। इसलिए इस न्याय पर पूरे जिला में सभी को भरोसा हो गया, जो हत्या करने के बाद वह नहीं ये कोई बचे। न्यायालय के द्वारा जो फैसला सुनाया गया वो किन किन बिंदुओं पर, किन किन धाराओं में क्या फैसला आया? उसमें 302 और हत्या हुई थी, 120 भी उनके परिवार के लोग षड्यंत्र रचे थे, जो जिसमें 9 व्यक्ति थे ये षड्यंत्र रच करके और उनकी बड़े पुत्र को हत्या कर दिया गया था हिंदुस्तान मेडिकल पर, और जमीन के विवाद में ही इनका हत्या हुई और मार्केटिंग के लिए भी हत्या हुई थी, राजनीतिक तौर पर ये हत्या हुई है। इस हत्या में जो न्याय मिला भरोसा है, और कहा जाए तो ये पत्रकार की हत्या तो होती है लेकिन न्याय नहीं मिलता है, और कमिश्नरी की बात हम कह सकते हैं कि यहाँ कमिश्नरी पर भी पूरे कमिश्नरी पर भरोसा, न्याय पर भरोसा करेंगे कि इस हत्या को जो है अब दोबारा ऐसी हत्या पत्रकार का ना हो और किसी का भी नहीं हो। तो रोसड़ा न्यायालय के द्वारा फैसला सुना दिया गया है पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में, और ये तस्वीर है जहां पे एडीजे प्रथम के न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है सो लोजपा के रोसड़ा के प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव हैं, उनको भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी 14 आरोपियों को जो न्यायालय के द्वारा दोषी करार दिए गए थे उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो इस कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। नालंदा में एक भाई ने अपने ही भाई